सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक समस्या से सभी लोग परेशान हैं कि ग्रह कलेश को किस तरह से खत्म किया जाए। सभी लोग परेशान हैं, जहां तहां बिचारे सब पूछ रहे हैं, टीवी में भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बैठे रहते हैं ग्रह कलेश की शांति के लिए। यों भी आप किसी कर्मकांडी पंडित से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ, आपके घर में वास्तु दोष है, यही आपके ग्रह क्लेश का कारण है। कोई पितृ दोष बता देगा, कोई काल सर्प दोष बता देगा, काल सर्प दोष, तरह तरह के कारण बताएगा और फिर आपसे लंबे चौड़े पूजा पाठ करवा के 10-20-25-50 हजार रुपए पैसे उसमें खर्च करवाएगा। पर शास्त्रों का गहन दर्शन करने पर ये समझ में आता है कि काल सर्प दोष, पितृ दोष और वास्तु दोष ग्रह कलेश के लिए उतने जिम्मेदार नहीं है, कारक नहीं है, जितना कारक हमारा स्वभाव का दोष है। महाराज, हमारे जो स्वभाव में दोष है, हमारे जो विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारे क्रियाकलापों में जो दोष है, ये सबसे बड़ा ग्रह कलेश का कारण है। और हम लोग बाहर के इन दोषों का तो उपचार करवा लेते हैं। पंडित जी को बुलाया, बिठाया और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश गुरुश शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करह भवंतो। ये नवग्रह विचारे, ये क्या हमें कष्ट कलेश देना चाहते हैं? ना भैया, ये भगवान के अनुग्रह से भगवान ने इनको बनाया है, तो ये ग्रह हमारे लिए अनिष्ट कारक कैसे हो सकते हैं? पर ये अनिष्ट कारक तभी हो सकते हैं जब हमारे स्वभाव में दोष आ जाता है। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये आप लोग समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए इस बात की। ये मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, ये आपके ग्रह क्लेश खत्म करने का अचूक उपाय है और स्थायी उपाय है। नहीं तो आप पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष इत्यादि जितने बाहर के दोष हैं, इन सबका समाधान करवा भी लोगे, पर आपने अगर अपने अंदर के दोषों का समाधान नहीं किया तो घर में से क्लेश मिटने वाला नहीं है। क्योंकि भागवत तो यही कह रही है, यह घोरो कलो प्रायो जीवश असुरताम गतः क्लेशाक्रांतस तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोर कलो प्रायो जीव ससुरतामगतः क्लेश आक्रांतस्य,
ये क्लेश का कारण ही भागवत ये बता रही है कि हमारा जो आसुरी स्वभाव है, जीवश असुर तामगतः, हमने आसुरी मार्ग अपना लिया है, यही हमारे क्लेश का सबसे बड़ा कारण है। और ध्यान रखिए, शास्त्र कह रहे हैं तस्माद् शास्त्रम प्रमाणन्ते, और जब तक हृदय का क्लेश नहीं मिटेगा, जब तक अंदर का क्लेश नहीं मिटेगा, तब तक बाहर के क्लेश मिटाने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। ये दीवालों में बिचारे में क्या क्लेश हो सकता है, ये घर में रखे हुए आटा दाल चावल सामान सोफा डबल बेड सेट, इनमें क्या क्लेश हो सकता है, ये सीमेंट ईंट के बने हुए गारे के मकानों में क्या क्लेश हो सकता है। अरे क्लेश हमारे स्वभाव में है, क्लेश हमारे आचरण में है, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारा आचरण दोष युक्त है। ये भागवत कह रहे क्लेश आपकरांतस, इसके कारण से हमको क्लेश ने सब तरफ से आके घेर लिया है। कारण क्या है, ये आसुरी स्वभाव के कारण से हम जहाँ देखो वहीं ग्रहों की तरफ तो नहीं देखते, ग्रहों को प्रणाम तो नहीं करते, विग्रह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यूनियन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, हम सब मिल के लड़ेंगे महाराज। अरे इससे कोई समाधान नहीं होगा। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि अगर सच में तुम क्लेश की शांति चाहते हो, अरे ग्रह क्लेश ही नहीं, तुम्हारे जिगर का क्लेश भी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो सकता है। अगर ये लड़ाई झगड़े वाला जो विग्रह है, इसका तो तुम निग्रह कर दो, माने इसका इसको खत्म कर दो, इसको समाप्त कर दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, इससे तुम्हारी कोई भलाई होने वाली नहीं है। फिर क्या करें भैया, इस विग्रह को हटा के अपने अंतःकरण में भगवान के विग्रह को बिठा लो, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने बिठा रखा है। और ये कैसे बैठ सकता है, ये बैठेगा भगवान के भजन से। हनुमान जी क्या करते हैं, बोले राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भगवान के भजन से, सत्संग से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से हमारे हृदय में जब भगवान का मंगल विग्रह स्थापित हो जाएगा, जैसे श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में है, तो इस विग्रह के बैठने से ये जो लड़ाई झगड़े वाला विग्रह है, ये अपने आप बाहर निकल जाएगा और हम भगवान के अनुग्रह की सीमा में आ जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बरसने लग जाएगा। और क्रोध मनोज लोभ मदुमाया, छूट है सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ये सो नट अनुकूला। नट मने यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये माया नटी उसी की है, उसी ने ये जाल फैला रखा है। पर वो जब हमारे ऊपर अनुग्रह कर देता है, अनुग्रह कैसे होता है, भजन करने से। कलिकाल में कैसे अनुग्रह होगा, भगवान की कथा और भगवान के नाम का जो आश्रय लेंगे, वो भगवान के अनुग्रह के छत्र छाया में आ जाते हैं। और क्या हो जाता है, फिर गये शोको संदेह सब, तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़, और बीते सकल कलेश। ये प्रमाण है महाराज शास्त्रों में कि हमारा जो आसुरी आचरण है, स्वभाव है, वही हमारे क्लेश का कारण है। और उपजी राम भगति दृढ़ तो बीते सकल कलेश, और अगर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का प्राकट हो जाए तो ग्रह कलेश क्या भैया, सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई ऐसा अचूक मार्ग नहीं है। आप भले परेशान होते रहिए, करवाते रहिए कुछ भी कर्म कांड इत्यादि, पर उससे स्थायी समाधान नहीं होगा। स्थायी समाधान का प्रमाण तो ये शास्त्र है कि भगवान की भक्ति से सारे क्लेश का समाधान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।